है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारु जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले ऋषभनाथ भगवान की, चौबीसो भगवान की, बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की, पंचकल्याणक महामहोत्सव की। अब हम आज से पंचकल्याण महोत्सव के जयकारा लगाना प्रारंभ किया, क्योंकि आप लोग सभी पात्र बन गए और कल जा करके आप लोग आचार्य महाराज से आशीर्वाद लेकर के आप आएंगे और इस मांगलिक कार्यक्रम में आप सह आनंद के साथ समाहित हो जाएंगे। और जैसे प्रतिष्ठाचार्य आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, उनके अनुसार आप चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बहुत दिन की यह चर्चा चल रही थी, वह सानंद संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने अपने दिल खोल करके अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया। यह बड़ा सौभाग्य है। यह जो हुआ त्याग, यह सामान्य पुण्य नहीं, पूर्व का संचित तपस्या का फल है, जो आज मोह को तोड़ने के लिए एक कारण बना। यह सामान्य नहीं, आपने अवश्य तपस्या की है और सद्भावना के साथ आप लोगों ने यह धनराशि को अर्जन किया था और आज आप लोग लगा रहे हैं। यह जिस भावनाओं को लेकर के आप लोगों ने जो त्याग किया, अवश्य यह भावना फलीभूत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम वीतरागी के चरणों में हम ऐसी आराधना कर रहे हैं जो कि अंतरंग से हम ये भावना लेकर के भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हे भगवान, आपने सब वैभव को छोड़ा और आपने ऐसे अंतरिंग अनादिकालीन जो वैभव छिपा हुआ था, उस वैभव को आपने प्राप्त किया। यही भावनाओं को लेकर के हम आप लोग इस चंचल लक्ष्मी जो पूर्व के संचित पुण्य के कारण यह प्राप्त हुआ था और यह पुण्य ऐसा हमने आपके चरणों में अर्पित किया, लेकिन यही भावना भाते हैं यह अब संसार से मुक्ति मिले। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम मोह को त्याग कर रहे हैं। मोह को त्याग करने का कारण यही, देखिए कर्म ऐसा है, कर्म दिखाई नहीं देता लेकिन कर्म का फल दिखाई देता है। कर्म का फल क्या दिखाई देता है, देखते हैं आप, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, आदि आदि जो भी है, फल मिल रहा है, फल दिखाई दे रहा है, लेकिन वह अंतरंग में बीज क्या है, कर्म है। उस कर्म के उदय में इस प्रकार कार्य हो रहा है। देखिए इन फलों को देख करके इसलिए कहते आचार्य महाराज, पुण्य को त्यागा नहीं जाता, पुण्य के फल को त्यागा जाता है। पुण्य का फल क्या है, आपको धन मिला था लेकिन आपने धन को त्याग दिया, इसलिए वह क्या कहलाएगा, पुण्य कर्म का फल। पुण्य का फल आपने त्याग किया, क्योंकि इन भाव इन जो धन राशि है जो भोगों में जा रहा था, उसने आपने जिसके द्वारा कर्म और बनता था, यदि आप भोगों में लगाते तो क्या होता, और घनघोर पाप का बंद होता था, लेकिन आपने उस पुण्य को छोड़ दिया, छोड़ते ही और दुगनी दुगनी होता हुआ और पुण्य संचित हुआ। आप देखिए जिस वक्त आपने ये बोली लगाए, उस वक्त जो भाव हुए, उस वक्त आपको ऐसा पुण्यार्जन हुआ, वह प्रति समय बनता रहेगा, क्योंकि पंचकल्याण आपने किया, वो करते वक्त और विशेष रूप से विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि आपने मोह को त्यागा। मोह को त्यागने से ही निर्मोही आत्मा के आप आराधना कर सकते हैं, इसलिए यह शुरुआत से ही ऐसा निर्मोही होने के लिए आप लोगों को धीरे धीरे यह प्रयास किया जा रहा है। अवश्य आप लोगों को यह भाग हुआ, यह सो कुछ हुआ,
पूर्वकृत गुरु महाराज का आप लोगों के ऊपर ऐसा वरद हस्त आप लोगों को मिला है, ऐसा कृपा दृष्टि मिली है और कृपा बरस गई, इसलिए आप लोग उनके परोक्ष में भी आप लोगों ने इस प्रकार महान कार्य करने का संकल्प किया। इससे फलस्वरूप हम तो कहते हैं कि अवश्य आचार्य महाराज आपके इस महानगर में पधारेंगे, इसी में कोई संदेह नहीं। भावना भाई अवश्य आएंगे, समय बहुत हो गया। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को ये कहना है, इसी प्रकार आप अपनी ज़िंदगी में धर्म के कार्य करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की चौबीसों भगवान की जय, बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की जय। Sure.